भाई आर्ष कन्या गुरुकुल आ रहा हूँ, और अभी इस वीडियो से पहले यहाँ पे जो मैडम जो यहाँ के हेड हैं उनसे बात की मैंने सपना को लेके। अभी सपना की एक फ्रेंड है या उसकी रूममेट है या क्लासमेट है, लेकिन वो उसके साथ रहती थी, उससे बात कर लेते हैं क्या कुछ है। बेबे राम राम। सर जब वो राम 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 और ठीक है। हाँ ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है इस माइक से? नहीं। अच्छा सपना को जानते हो? हाँ मैं जानती हूँ। वो आपके क्लासमेट थी या रूममेट थी? वो मेरे रूममेट थी, मेरे क्लास में नहीं थी, मेरे से छोटी थी ये क्लास। अच्छा आप प्लस वन में हो? हाँ मैं 11th में थी उस टाइम। अच्छा। वो 10th में थी। ओके तो क्या कुछ बात होती थी उनके बहनों के बीच में? अभी जैसे मैडम ने बताया कि उन दो बहनों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, होता था ऐसा कुछ? हाँ सर वो मामूली बात में भी लड़ते रहते थे दोनों बहनें, ऐसे कभी कभी रोने लगती थी, मारपीट दोनों करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो तब उस दिन लड़ाई के बाद वो ऐसा कर लेंगे। और जब वो लॉकडाउन में बीच में घर आई थी तो उसने मेरे से ये बताया था कि मैं उससे पूछी कि आप जल्दी क्यों आ गए इतने, तो बोली कि मेरी मम्मी मुझे मारी थी और लड़ाई हो गया इसलिए मैं आ गई, और अब मैं घर कभी नहीं जाऊँगी, यहीं पर रहूँगी। और जिस दिन उसकी मम्मी उसे छोड़ कर गई थी, तो उस दिन वो जब पैर छूने गई मम्मी की, तो मम्मी पीछे मुड़ कर चली गई, उससे बातें भी नहीं की, छोटी बेटी से मिल कर गई। उसके बाद सपना हमसे मिलकर इतना रो रही थी कि मेरी मम्मी मुझसे मिल के नहीं गई, छोटी बहन से मिल के गई। और एक सप्ताह बाद जब उसका फ़ोन भी आया मम्मी का, तो वो पुष्पा से ही बात की, सपना से बात नहीं की। उसके बाद भी पुष्पा हमसे बोल रही थी, मेरे से बोल रही थी कि कैसी मेरी मम्मी, मेरे से बात नहीं की और छोटी बहन से बात की। दोनों बहनों में झगड़ा होता था, मैम ने भी बताया, इन्होंने भी बताया। छोड़ के गई, मम्मी के पैरों के हाथ लगा के गई, मम्मी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, चली गई। मम्मी के बारे में इनको बताया कि भाई मम्मी उससे पुष्पा नाम है छोटी बहन का, उससे ज़्यादा बात करती है। फ़ोन पे भी मम्मी ने सपना से बात नहीं करती थी, अक्सर इसका ऐसा कहना है ना? हाँ उस दिन भी बात नहीं की थी उन्होंने। अच्छा बस पुष्पा से ही। ऐसा क्यों हमें नहीं पता, बट मेरे को तो बस इतना ही पता है कि मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई तो मैं यहाँ पे आ गई, अब घर नहीं जाऊँगी, बस मुझे तो इतना पता है उसने, और जो भी होगा मुझे नहीं पता। मारती पीटती भी थी उसकी मम्मी? मारती भी, सब बच्चे तो वो सब मारते मम्मी गलती पे, तो उसकी मम्मी भी मारी होंगी। और उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरी मारी मेरे को और लड़ाई हो गई, इसकी वजह से मैं घर से आ गई यहाँ पर जल्दी। दोनों बहनें झगड़ा कितना सीरियस करती थी? वैसे तो लड़कियाँ इतना झगड़ा करती नहीं, वो झगड़ा कितना करती थी? उनमें उतनी डीपली लड़ाई भी नहीं होती थी, नॉर्मली लड़ाई करती थी एक दूसरे से, और फिर मतलब सही हो जाती थी, दो मिनट में लड़ाई करेंगी फिर सही हो जाती थी। अच्छा उस रात को क्या कुछ झगड़ा हुआ था? हाँ उस रात को जब मैं अपने रूम में गई थी, खाना खाने के बाद गई थी, तो मैंने देखा कि दोनों बहनें लड़ाई करके दोनों रो रही थी ऊपर। अच्छा, में तो मैंने सुना कि बड़ी बहन उसे बोली छोटी बहन से कि मतलब मैं उसकी बेटी हूँ, उसके पैसे में मेरा भी हक है। छोटी बेटी ने बोला उसकी बहन पुष्पा ने कि तू उसकी बेटी नहीं है, तू चोर की बेटी है, तू गंदा खून है, ऐसा वर्ड उसे बोला। छोटी ने बड़ी को ऐसा कहा? ऐसा बोला। हाँ बड़ी शॉकिंग बात है छोटे छोटे बच्चों के जब इस टाइप दिमाग में बात आती है, बड़ी शॉकिंग बात है। ये बातें घर से ही सीखी हैं, स्कूल में ये बातें कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं घर का माहौल में गड़बड़ थी, मैडम ने भी ऐसा बताया, यहाँ पे भी ऐसा ही पता लग रहा है। स्कूल गुरुकुल की मैं कोई स्पोर्ट प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जो बाहर के लोगों से मैंने बात करी ऑफ द रिकॉर्ड, यहाँ पर एलिगेशन लगता नहीं, जो यहाँ के आचार्य हूँ उसको लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। इस टाइप की घटना, लड़की को बाहर लेके जाना, बाहर हवन करवाना, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर बताया भी और पड़ोस से भी पता लगा भी, तो मामला कुछ और कई जगह भी बिगड़ रहा है। अच्छा अभी कहीं इनके कॉपियों में, नोटबुक में कुछ लेटर वगैरह भी मिला करते, कहीं किसी और के साथ कुछ ऐसा चक्कर वगैरह इस टाइप का कुछ? मैंने तो नहीं देखा कि मतलब ऐसा कुछ, लेकिन मतलब उनके क्लासमेट बता रहे थे कि वो मनीष नाम को लड़का से मतलब भैया करके बातें करती थी कि ये मेरा भैया है, ऐसे मतलब बोलती थी, और कॉपी पे अक्सर लिखती रहती थी वो, क्योंकि मैं तो उसकी क्लासमेट नहीं हूँ, मैं तो देखती नहीं जाती थी, लेकिन उनको क्लास वाले ने बताया था कि वो ऐसे लिखती थी,
और जब हम कॉपी उसकी देखे तो उसमें मिला था मनीष का नाम लिखा था। क्या लिख रखा था? मनीष तनवर नाम लिख रखा था उसके ऊपर। मनीष तनवर। मनीष तनवर। तनवर की स्पेलिंग TANWR, उसको तनवर इंग्लिश में बोलते थे, वैसे तो तवर, मनीष तवर है ना। हाँ, तो वो कहाँ से था वो मनीष? हमें ये तो नहीं पता कहाँ से था, बट हम बस मुझे इतना पता है कि वो अपने क्लास वालों से और हमसे भी भैया करके बातें करती थी। मेरा भैया है, मेरे अंकल जी का लड़का है जो पड़ोस में रहते हैं, ऐसे बातें करते। ओके, तो भाई अब मैडम ने बताया कि मनीष के बारे में कॉपी वगैरह सब कुछ, जो सुसाइड लेटर जो मिला है उसके बारे में जांच प्राइवेट लैब से तो हो चुकी है। उनका कहना ये कि सब कुछ मैच खा रखा है, ऐसा नहीं कि मैच नहीं है। तो ये बातें बहुत सारी डाउटफुल भी हैं, और मेरी छोटी बहन ने जो बताया वो तो आपने सुन ही लिया होगा। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं घुसाऊँगा इस मामले में। ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये जो मामला है, अब किस तरीके से लोग इसको देखेंगे? और क्योंकि सेंसिटिव मामला है, ये भी मेरी छोटी बहन है, मैं भी ज़्यादा से इसको डिप्लोमेटिक नहीं लूँगा। छोटी छोटी बातें जो निकल के सामने आ रही हैं, मेरे हरियाणा के जो यूट्यूबर हैं मेरी तरह, जो मेरे भाई हैं, वो इस मामले को इस तरीके से भी देखें। मेरी एक बहन है रोमी रमन, उसने भी उस मामले को काफ़ी अच्छे से उठाया था। मैं चाहूँगा बहन एक बार यहाँ पर भी आके देखे, क्योंकि आप जो हो बड़े अच्छे से मैटर को उठाते हो, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा। अब भाई देखते हैं इस विषय में, अब तीसरा जो पक्ष है, यहाँ के जो वार्डन है, यहाँ के जो टीचर है जो रात को यहाँ पर रुकते हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ बातें निकल के आएंगी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।